बीते दो दिनों से चंपावत में लगातार हो रही बारिश के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहीं अब डीएम डॉक्टर अहमद इकबाल खुद आपदा कंट्रोल रूम में बैठकर जिले के हालातों पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही चंपावत के एडीएम जेएस राठौर का कहना है कि जिले में लगातार हो रही बारिश के दौरान बंद पड़ी सड़कों को जल्द खोला जा रहा है। एसडीएम तहसीलदार और प्रभारियों को निर्देशित किया है कि विशेषकर जो हमारे आइडेंटिफाइड कुछ मकान है, परिवार हैं जो नाले गदेरों के करीब रहते हैं या नदियों के किनारे, तो उनको सेफ पॉइंट पे शिफ्ट किया जाए। तो करीब हमारे अभी 40 फैमिलीज अराउंड 4 जीपी से हमने शिफ्ट करी है सेफ्टी की दृष्टिगत से। और इसके अतिरिक्त हमने यही अनुरोध किया कि अगर आवश्यक नहीं है तो लोग ट्रैवल ना करें, और जहां जहां हमारी लैंडस्लाइड से रोड्स बंद हो रही हैं तो वहां पे मशीन्स लगी हुई हैं, उसको तत्काल खोलने की कार्रवाई की जा रही है। जबकि डीएम का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और पार्टी टनकपुर क्षेत्र से 40 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अलर्ट पे हैं हम लोग इस समय, और जो हमारे जो एसडीएम हैं सभी उनको भी अलर्ट पे हमने रखा हुआ है, और जो हमारी पूरी मशीनरी है जहाँ से हमें सूचना मिल रही है तत्काल वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। जैसे कि हमारा सुबह जो NH 09 तीन जगह पे बंद था उसको वर्तमान में खुलवा दिया गया है, और हमारा जो मंच और तामनी रोड है वहाँ पे काम हमारा चल रहा है और सारे रोड हमने ओपन करा दिए। और जो लोग असुरक्षित स्थानों पर बसे हुए हैं उनको जो चेतावनी जारी कर दी गई है, और जो ज्यादा ही संवेदनशील स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया गया। देवभूमि न्यूज चंपावत।